नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और सब चालू कर दिलवानी नेक्स्ट तक भोजपुरी में। दरअसल आज बात कर दिलवानी एगो ऐसा भोजपुरी सिनेमा जना फिल्म का नाम बाटे बंधन टूटे ना। तब यार रितेश पांडे की फिल्म बंधन टूटे ना ये फिल्म का प्रथम लुक देख रहा मैं तो सच में फिल्म का प्रथम ही लुक ना है। फिल्म का फाइनल ट्रेलर के रिलीजिंग डेट भी है बा सब कुछ बताया मैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले वो काम करी चैनल बनाया बने सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी और सब कुछ कर दी महाराज सब कुछ कर दी। चलिए इनके वीडियो को चालू कर लिया जाओ ना। फिल्म का नाम बाटे बंधन टूटे ना। चलिए इनके वीडियो के बारे में अब हम बता ही दी भैया कि फिल्म के नाम बंधन टूटे ना बा तो फिल्म में कहानी का हो। देखिए फिल्म का नाम बंधन टूटे ना बा और फिल्म का प्रथम लुक भी बता रहा बा। एगो बचपन के जोड़ा भी दिखावल गई बा, एगो जवानी के जोड़ा भी दिखावल गई बा। यानी ये फिल्म में कुछ ऐसा है देख मिले वाला बटे कि या तो बचपन के मतलब दोस्त दोस्त के बेटा बेटी होखें जा प्यार करे होखें जा और प्यार प्यार के चक्कर में मतलब बचपन बचपन के चक्कर में बचपन में लोग ब्याह करे होखें जा एक दूसरा के जिए मरे के कसम खा ले होखें जा और वही के जवानी जवानी तक ढोहियन जा फिर जवानी में मुलाकात हुई तो कैसे एक दूसरा से मतलब बिछड़ा रहन जा। लेकिन बाद में जब एहसास हुई कि ना ये उहे हो तो फिर ही करीब जन ना उहे हो तो फिर ही दोनों जना करीब आन जा फिर एगो ठान ले जाए कि ना हमने के बंधन जन्म जन्म करे ये कभी भी टूटी ना। तो फाइनली हमके जहाँ तक उम्मीद बढ़ के फिल्म के कहानी एकरा से अधिक नहीं हो सकत हो ये नहीं कह सकत मर्दे एकरा से अधिक फिल्म के कहानी हो ये नहीं कह सकत। तो फाइनली बंधन टूटे ना अब देख बटे कि का ये सब कुछ यही के इर्द गिर्द हो या कुछ और भी हो सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी देखल भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। बाकी बता दिए फिल्म के निर्माता बनी ये फिल्म के निर्माता बनी अमर सिंह अश्विन रोरा अवनीश रोरा और समीर आफ्ताब। देखिए भोजपुरी के बड़का बड़का निर्माता लोग बन जाए लेकिन अभी भी ये लोग भोजपुरी सिनेमा के हिसाब से जन बनावतन जाए अपना हिसाब से बनावतन जाए एगो लिमिटेड मतलब खिसल पीटल कहानी के बार बार मिक्सी में डाल डाल के चाहत रह जाए कि बढ़िया स्वाद वाला चटनी बना दी लेकिन वो से स्वाद वाला चटनी नहीं निकल पाओ ना एकदम से नहीं के निकल पाओ भाई जो ना हिसाब से चटनी बनाए कोशिश करते रहते। अरे यार उसमें के सारा मसाला निकल गुल बाजे नहीं ये कहीं कहानी के बार बार रिपीट करवा जाए तो आखिर की देखी कितना लोग देखियो गजब के हाल बा भैया भोजपुरी इंडस्ट्री। आगे फिल्म को बता दी कि देव पांडे जैसन स्टार और का गजरा डायरेक्टर साहब डायरेक्ट कर लो। अब डायरेक्टर साहब के डायरेक्शन में कुछ नयापन आए जो ना के चलते ही फिल्म कुछ कमाल कर पाई या बस यूं ही रही ये तो वक्त और समय बताए हम फिर कहीं बताएं भैया कहीं बताएं। बाकी फिल्म को देखी तो कथा पथखटा संवाद सभा वर्मा का बटे। अब सभा वर्मा अपन दिमाग अपन मतलब आईक्यू के सभा बैठा के और कितना बड़का वाला ये फिल्म के कहानी लिख ले होकि कि घिसल पिटल ना दिखी ये सब कुछ फिल्म अला के बाद ट्रेलर रहला के बाद मालूम चल देखला के बाद भैया। बाकी फिल्म में संगीत ओम झा के बाद ओम झा संगीत में कितना यूनिक कर ये सब कुछ मालूम चले। बाकी फिल्म में देखी तो रितेश पांडे स्टार कास्ट में ऋचा दीक्षित संजय पांडे माया यादव जैसे स्टार कास्ट लोग ये फिल्म में भूमिका में बाणन जा। तो बाकी अब ऋचा दीक्षित और रितेश पांडे के भूमिका में कितना कॉम्बिनेशन दिखी ये सब कुछ यूनिक होके वाला बाटे। बाकी फिल्म 1 अप्रैल 1 अक्टूबर के फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता देखी इंजॉय करी। बाकी फिल्म इतना ही हम जीत।